हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और जैसे कि कल मैं एक अपडेट लेकर आया था, जनजाति विभाग ने वर्ग दो के नियुक्ति आदेश जारी किए। और जब आपने पोर्टल देखा, क्योंकि पोर्टल बाद में ओपन ही नहीं हो रहा था, तो उसी वीडियो पर बहुत से भाई बहनों के कमेंट आया कि सर पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, पुराने जो आदेश हैं वही डले हुए हैं। और ये जो मेरा वीडियो है इन्हीं सभी कमेंट से भरा पड़ा है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि इस बात को क्लियर कर दूं। तो जनजाति विभाग के जैसे ही आप पोर्टल पर जाते हैं दोस्तों, वास्तव में आपके जो नियुक्ति आदेश हैं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखें, 31/3/2023 का जो लास्ट जारी हुआ था नियुक्ति आदेश, वही दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्ग एक के। और जबकि कुछ देर के लिए कल वर्ग दो के यहाँ पर नियुक्ति आदेश आए थे, यानी कि एक दो आदेश यहाँ पर डाले गए थे दोस्तों। और उसका इस जो PDF है वो मेरे पास बहुत से लोगों ने सेंड करना शुरू कर दिया और फिर उस पर देखे, लेकिन बाद में ये साइट ओपन ही नहीं हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि सर साइट पर वो जो आदेश हैं वो दिख ही नहीं रहे। मैंने भी क्लिक किया लेकिन साइट ओपन नहीं हो रही थी। शायद 9 या 9:30 बजे तक ये साइट ओपन ही नहीं हो रही थी। और अभी देखा है तो इस पर कोई भी आदेश नहीं है। अभी ये आदेश क्यों हटाए गए हैं और क्यों डाले गए थे ये तो विभाग ही जाने। लेकिन कल जो आदेश आए थे दोस्तों वो यहाँ पर मिले थे। और लोगों ने, जैसे कि नर्मदापुरम का ये आदेश था जिस पर मैं वीडियो बना के लाया था, और भी आदेश अपलोड होने थे, ये संस्कृत विषय का था दोस्तों। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि सर जो प्रिंट है वो इतना ऐसा किया गया है कि उसमें साफ दिख ही नहीं रहा, ना निर्देश दिख रहे हैं ना नाम साफ दिख रहे हैं। तो एक कारण ये हो सकता है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, या हो सकता है कि गलती से अपलोड गलत डेट में हो गए हों, अभी नहीं करना हो उन्हें। हो सकता है कि आज अपलोड हो या कल अपलोड हो, यानी कि एक दो दिन में वर्ग दो और वर्ग तीन के जो नियुक्ति आदेश है वो अपलोड होनी ही है। अब दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी परेशानी हुई, उसके लिए दिल से सॉरी। क्योंकि जैसे ही अपडेट आती है, करीबन 9 या 10 मिनट बाद ही मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया था। जैसे ही आपके आदेश आए थे, एक दो आदेश आए थे, मुझे लगा कि पूरे ही आदेश अब अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि होता ऐसे ही है कि पहला आदेश आता है, फिर दूसरा, फिर उसके बाद क्रम से पूरे आदेश अपलोड हो जाते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि दिल से सॉरी, क्योंकि जल्दी जल्दी में। और हुआ ये कि मैंने दोबारा से क्लिक किया, जनजाति विभाग की साइट ओपन ही नहीं हो रही, तो मैं ये भी क्लियर नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि यदि मैं ये आपके पास फिर से ले आऊं कि अभी नहीं आए, तो वो भी गलत होता, क्योंकि वहां पर अपलोड होना शुरू हो गए थे। जनजाति विभाग की साइट पर एक दो आदेश आ गए थे, उसके बाद वो क्यों हटा लिए गए ये विभाग ही जानता है। लेकिन इससे जो आपको प्रॉब्लम्स हुई दोस्तों, उसके लिए अतुल कुमार शर्मा के चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से दिल से सॉरी है दोस्तों। आप बड़ा दिल रख कर मुझे माफ़ कर देंगे, ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप गुरुजन हैं दोस्तों। और कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ऐसी गलती हो जाती है, तो दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हालांकि मैं यही कहूँगा कि कुछ दिन में आपके आदेश आने हैं, चाहे वर्ग एक की बात करें, चाहे वर्ग दो की बात करें, चाहे वर्ग तीन की बात करें, जो क्रम है दोस्तों वो बना रहेगा। वर्ग एक के जो है आदेश आ चुके हैं जनजाति विभाग के, वर्ग दो और वर्ग तीन के कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।